कंफ्यूजन तो वो या उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए इतने कृष्ण कहाँ से आ रहे हैं वर्तमान प्रॉब्लम, तो इसके लिए ज्ञान देखने के तमाम हमारे जो भाई बहन हैं जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाते हैं, सबको बुलाते भी हैं कि जो हम कंफ्यूजन जैसे चित्र दिखाते हैं तो एक का ही, लेकिन इधर के चेहरा एक दैवी संपदा वाले एक आसुरी संपदा वाले अवगुण, वो दोनों की युद्ध जो चल रही उसका समाप्त तो हम कैसे करें, उसके लिए सब पूरी ज्ञान तभी हम इससे निकल सकते। तो इसमें ये युद्ध बताया, इस युद्ध से हम निकल खड़े बाद में इंतजार में खड़ा था, तो हम देव आत्मा नहीं इंतजार में, या हमने देव आत्मा के मान में बच्चे कोई कोई थप्पड़ मार देता है, तो हम उसको बहुत बुरा मना करते हैं, गिर गई बार उधर आई समझते हैं। इस सृष्टि चक्र में हम स्वयं का दर्शन, तो सबसे पहले चक्र में हम देखते हैं और हर चीज़ कोई नई हो तो अच्छी हो, हमारा शरीर भी जब नया था तो अच्छा था, तो ये सृष्टि भी जब परमात्मा रची होगी तो देव ही रची होगी, और धीरे धीरे फिर हमारे अंदर गिरावट आ गई और आज हम कलयुग में आ गए, तो हमें इसका ज्ञान नहीं, हमें 24 घंटा का पूरा ज्ञान है, तो उसमें हम ये समझते हैं कि भाई अब 2 घंटा बाद सूरज निकलने वाला है और हम 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो जाए, क्योंकि रोज़ का ज्ञान है, साल का भी ज्ञान, इसके बाद सर्दी आएगी गर्मी आएगी बरसात आएगी बसंत आएगा, ये ज्ञान है, तो उसकी भी हम तैयारी सर्दी गर्मी करके रखें। अगर हमें सृष्टि चक्र का भी पूरा ज्ञान हो जाए, स्वदर्शन हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम अगले क्षण के लिए तैयार हो जाएंगे और पहले से ही तैयारी कर लेंगे, जैसे कि बाद में कोरोना आया, अगर हमें पहले से इसका ज्ञान हो जी जी बिल्कुल सही का वक्त होता है मेरा। अच्छा आप उधर से ही हैं, तो हाँ थोड़ा बहुत है, तो हमें इसका ज्ञान कुछ आने वाला है, तो ना हो गया तैयार करना है और सुंदर निकलने को उसको समझ नहीं पाती है। तो मुझे
देखना चाहते किसी आप तो परमात्मा के विषय में और देव आत्मा के श्री कृष्ण जो थे वो देव आत्मा थे, उन्होंने माँ बाप मुझे अच्छे बड़े हुए, फिर उनकी शादी हो गई राधे, तो वो नारायण होना है जो लक्ष्मी राधे कहलाए, तो उन्होंने सारे विश्व में लक्ष्मी को आप उनको हम रुक्मिणी भी कह सकते हैं जब शादी होने नहीं हुई, शादी हुई, शादी शादी नहीं जिसके भी साथ शादी थी। मैंने कहने मतलब देव नहीं, ये देव आत्माओं में सबसे उत्तम कृष्ण जी की महिमा क्या करते हैं, परमात्मा हमने सिर्फ योगी का ही और उनको दिखाया कि शंकर भी उनकी पूजा करते हुए दिखाए गए, तो शंकर अलग और शिव अलग, शंकर को रचा परमात्मा, महेश को रचना, लेकिन शिव सदा ही एक रस सदा शिव है, वो आकर के ज्योति जो हम आत्माओं के प्रया है वो हमारे जैसे जैसे आत्मा एक अदृश्य ज्योति ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी अदृश्य ज्योति सके, उदाहरण देते हैं तो पिता चीजी जैसा हो, हाथी पिता हाथी जैसा हो, तुम आत्मा है, तुम आत्मा का पिता परमात्मा है, तो हमारे जैसे आत्मा के जैसा ही हम लोग अलग अलग मान्यता में बताते हैं कि भाई परमात्मा कोई कहता कणकण है, कणकण में है, तो लेकिन हमें इस बात में गीता में भी हमें आवास कराया कि परमात्मा सबके अंदर है, अगर सबके अंदर परमात्मा होगा तो युद्ध भी ना होगा, लड़ाई झगड़ा भी ना होगा, क्योंकि सबके अंदर दैवी गुण होते परमात्मा के गुण होते, वास्तव में परमात्मा ब्रह्म लोक का रहने वाला है, परम नाम का रहने वाला है, इसे बताया कि जहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं पहुँचती मैं वहाँ पर रहता हूँ, और इस सृष्टि जब धर्म की गिलानी होती है आता है, ये उसमें दर्शाया गीता में स्पष्ट किया है, तो वास्तव में हम सबके अंदर आत्मा है, आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र सोचता है, परमात्मा जैसे आत्मा कर्म करती है वैसा उसका फल मिलता है, और अंत में आके परमात्मा हम सबको ज्ञान लेकर के अच्छा और बुरा बताता है, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसके जो आपने फल भोगना पड़ा, और अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल, तो अच्छे और कर्म की और बुरे कर्म की वो पहचान और गति बनता है अंत में, और उसके बाद फिर उसका रोल ख़त्म हो जाता है 5000 वर्ष के लिए, फिर वो बीच में नहीं आता है, हम ऐसे इसमें बताते हैं। अब इसमें हम बताते हैं तो क्या वास्तव में हम उस गंगा से आत्मा को कर सकते हैं, आत्मा पावन बना सकते हैं क्या, शरीर तो स्वच्छ हो सकता है लेकिन आत्मा के लिए तो ज्ञान नहीं, तो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर एक मनुष्य तन का आधार और उसके रथ को माध्यम बना करके ज्ञान उसके मुख के द्वारा देते हैं, ऐसा कोई नहीं कि भाई 5 घोड़ों वाला कोई रथ है उस पर बैठ के और एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं देंगे, अर्थात कोई सिर्फ ज्ञान नहीं देंगे, परमात्मा की ऊँची आई बोलेगा कैसे, जबकि हम आत्मा ही नहीं बोल सकते बिना शरीर के, तो परमात्मा भी नहीं बोल सकता है, उसे भी कोई ना कोई माध्यम रथ लेना पड़ता है ज्ञान का, तो हम एक दादा लेखराज को कोई गुरु नहीं मानते, ना इनके ऊपर कोई माला चलाते ना कोई चित्र आपने लगा हुआ है, समझाने के लिए बस इनका माध्यम बनाया, इनके द्वारा ज्ञान किया, और हम जिसको भी सुना दें उनको ही बता के आप परम पिता परमात्मा जो मेरा कार्य उसको याद करें इनको।
हमारे यहाँ जो मानवता है चलिए आगे चलिए उनको याद इधर बहुत हो गया परमात्मा ने खुद ही इनके तन में दर्द था कि ये हम सिर्फ मारने बना ये कोई बात नहीं जैसा है ये भी पतित है और जैसा भी पतित है इसको भी पुरुषार्थ करना है इसमें भी पुरुषार्थ करना है मैं जो ज्ञान देता हूँ मुझ एक को याद करो ध्यान निगम ज्ञान मुझ एक को याद करो और चारों तरफ से बुद्धि को समेट परमात्मा ने ऐसा बताया इनके तरीके तो वास्तविक रूप में परम पिता परमात्मा ने चारों तरफ इस ज्ञान को फैला इसलिए ब्रह्मा को चार मुख वाला भी दिखाया अब कोई तीन मुख वाला दिखाया क्योंकि पीछे वाला मुख दिखे रहे चार मुख वाला दिखा कैसे सकता है चार मुख तो क्योंकि ये ज्ञान चारों तरफ फैला तो ये इसमें समझाते हैं जो हमारे स्कूल में इस विद्यालय में इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मिश्रा विश्वविद्यालय इसमें जिन्होंने अच्छे नंबर दिए तो उनके फोटो लगा दिए जैसे हर विद्यालय में जो अच्छे नंबर लेते हैं उनकी फोटो लगा देते स्कूल में भी लगा देते गांव में भी लगा देते हम लोगों ने भी ये फोटो बाकी भगवान कोई नहीं उनमें जो साकार में दिख रहे हैं कि हमारी दादी से मेरे साथ गया और साल कितनी आगे ब्रह्मचारी और इन्होंने भी 16 साल की उम्र में हमारी मम्मा ही पहनाई इन्होंने आजीवन पूरा समाज सेवा किया भगवान की निराकार मानते हैं और यही सबको बताते हैं कोई भी भेद आदि मनुष्य परमात्मा नहीं है सर 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 सर
कौन कहना जी कौन क्या है Thank you.